बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो इस वीडियो में हम अपनी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमारा टॉपिक था ईरान न्यूक्लियर डील, ऑलराइट। तो अब हम इस वीडियो में उसी अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग हिस्ट्री ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील, तो अब हम उसी हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं एंड देन वील मूव ऑन टू द करंट सिनेरियो। और करंट सिनेरियो में हम यही देखेंगे कि करंटली यूएस और ईरान के बीच में ईरान न्यूक्लियर डील पर क्या बातें चल रही हैं, ठीक है, और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीजंस बिहाइंड द यूएस विदड्रॉल फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील। सो जब हम रीजंस की बात करते हैं तो देयर आर सम हिडन रीजंस एज वेल एज सम अपेरेंट रीजंस। तो अगर अपेरेंट रीजंस की बात करें तो जो ईरान से वॉयलेशंस कमिट हुई थी उसको एक्सक्यूज बना के यूएस ने डील से विदड्रॉ कर दिया एंड इट ट्राइड टू कन्विंस द अदर सिग्नेटरीज ऑफ द डील कि ईरान ने वॉयलेशंस कमिट की हैं, देयरफॉर दे शुड स्क्रैप द डील। बट अदर मेंबर्स वर नॉट कन्विंस्ड, देयरफॉर यूनिलैटरल विदड्रॉल ऑफ यूएस वॉज सीन। And then obviously after US withdrawal it became P4+1 and Iran. तो ये था apparent reason कि US ने कहा कि ईरान ने violations की हैं deal की, that is why they are withdrawing. लेकिन अगर हम hidden reasons की बात करें तो फिर ये बात सामने आती है कि US thought that its concerns or its interests were not served by the deal. US said that the deal was not comprehensive enough, it did not fully serve the interests of US because it did not cover the matters related to Iran's ballistic missile system, Iran's ballistic missile program, and also the deal does not cover Iran's proxy wars against US. So clearly these concerns of US overlapped with the concerns of its traditional allies, that is इसराइल एंड KSA। ये आपको बात मालूम होगी कि शुरू से ही जब ये डील साइन हुई थी तो इसको अपोज़ किया गया था फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड इसराइल, बिकॉज उनके यही दो कंसर्न थे कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उस पर भी चेक रखा जाए और जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं ईरान की मिडिल ईस्ट में उनको भी एंड करने के लिए स्टेप्स लिए जाएँ। तो ये दोनों डील में मौजूद नहीं थे, दैट इज़ वाई they had expressed concerns over this deal and they were not really happy with the deal. Okay, ab hum directly aa jate hain ki contemporary times mein Iran nuclear deal ka issue kahan pahuncha hai aur under Biden administration what is the improvement regarding this Iran nuclear deal, or are there any efforts being made by the Biden administration to revitalize the deal. To we know ke US withdrew from the deal in 2018, but ab under Biden administration they are making efforts to resume talks with Iran to revitalize the deal. US wants to rejoin the deal. So if we analyze the situation to hame ye baat malum hogi ki US withdrawal ka maqsad kya tha. Uska maqsad ye tha ki US thought that it is not a comprehensive deal. This deal should not focus only on the nuclear program of Iran, but it should include Iran's Middle East policy and issue regarding Iran's ballistic missile program. And this deal should address US interests and US concerns regarding these two main issues, other than Iran's nuclear program. That is why जो यूएस है उसने 2018 में विड्रॉ कर दिया डील से ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट ईरान हैड वायलेटेड द कंडीशंस ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील, बिकॉज यूएस वांटेड टू रीनेगोशिएट द डील एंड इट वांटेड टू ऐड टू मोर थिंग्स इन द डील। नंबर वन वाज टू प्रेशराइज ईरान टू चेंज इट्स मिडल ईस्ट स्ट्रेटजी एंड ऑल्सो ब्रिंग अबाउट चेंज इन इट्स न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम बेस्ड ऑन द यूएस इंटरेस्ट्स। जो है इन्हीं दो रीजंस की वजह से यूएस ने डील से विड्रॉ किया एंड उसके बाद सेंक्शंस इम्पोज किए और ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी को अडॉप्ट किया
एंड बहुत उस पर हार्श सेंक्शंस लगाए दैट क्रिपल्ड ईरान्स इकॉनमी। एंड इसके अलावा उसने यूरोपियन यूनियन और यूएन को भी जो है प्रेशराइज किया कि दे शुड ऑल्सो इम्पोज सेंक्शंस। एंड आफ्टर ट्रंप लेफ्ट नाउ अंडर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इट वॉज इनिशियली बींग एक्सपेक्टेड दैट टॉक्स विल बिगिन बिटवीन ईरान एंड USA over the Iran nuclear deal. Either the deal will be revived or it will be renegotiated. But of course, Iran outrightly refused to renegotiate the deal because Iran said that if US wants to join, then it must join the original JCPOA and the deal will not be renegotiated at any cost. And of course, Iran will not allow addition of other conditions into the deal. मतलब कि ईरान ने जो है साफ साफ मना कर दिया कि वो किसी और conditions को deal में add नहीं करेगा, और अगर US दोबारा से join करना चाहता है deal तो it should revive the original deal और कोई renegotiations नहीं होंगी deal के ऊपर और deal की conditions के ऊपर. So that was the clear stance of Iran on the deal. तो जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो ऑब्वियसली टॉक्स बैकड्रॉप में स्टार्ट हो गई थी बिटवीन ईरान एंड US एंड देयर वर कंसल्टेशन गोइंग ऑन विद द अदर स्टेक होल्डर्स। एंड देन फाइनली अप्रैल 2021 में वियना में ईरान और USA के बीच में टॉक्स हुई, ठीक है, एंड दोज टॉक्स कंटिन्यूड अंटिल जून। टोटल 6 राउंड्स हुए थे टॉक्स के, ठीक है, बट ऑल प्रूव टू बी फ्यूटाइल विच वॉज क्लेम्ड बाई द एनालिस्ट दैट द टॉक्स प्रूव टू बी फ्यूटाइल बिकॉज US केप्ट ऑन एम्फसाइजिंग एडिंग न्यू कंडीशंस टू द डील टू विच ईरान रिफ्यूज्ड आउटराइटली। एंड ऑब्वियसली जून के बाद जो है टॉक्स जो है स्टॉल हो गई थी, देयर वर टॉक्स वर हॉल्टेड बिकॉज all rounds of talks proved to be futile. And currently it is being said that it has been advised to the Biden administration that it should consider joining the original deal before it's too late, because Iran is not agreeing to renegotiate the deal at any cost, so they must consider entering into the original deal keeping aside the other two conditions. दैट मीन्स के करंटली जो है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को ये एडवाइस की जा रही है कि उनको जो ओरिजिनल डील है उसी में एंटर कर लेना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट, बिकॉज ईरान किसी भी कीमत पर डील रीनिगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। सो US शुड कॉम्प्रोमाइज एंड दे शुड कंसिडर एग्रींग टू द एंट्री इन टू द ओरिजिनल डील, बिकॉज जहाँ तक बात रही ईरान की मिडल ईस्ट पॉलिसी के हवाले से या ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, तो वो बातें सेपरेटली भी की जा सकती हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये जो बाकी इश्यूज़ हैं उनको सेपरेटली भी ईरान से डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। एंड इट्स हाई टाइम के US अब एंटर हो जाए इस डील में बिफोर इट्स टू लेट, बिकॉज ईरान जो है इट इज़ rapidly increasing its capability to develop weapons. So before it's too late, US should enter the deal to stop it from reaching the point where it will be able to develop the nuclear weapons. And at this time, dono countries ke interest mein yahi baat hai ke they should revive the deal. They should revive the original deal. So iske ilawa deal mein ek problem ye bhi hai ke US is not ready to remove sanctions on Iran, and Iran for now is not compliant with the Iran nuclear deal because after US withdrawal it began increasing its nuclear activity, which is why for now Iran is not compliant with the Iran nuclear deal conditions, and US is not ready to compromise and is not ready to lift sanctions on Iran, so which is impeding the progress in the Iran nuclear deal talks. So if we fully analyze the situation, then we realize that agar dono parties compromise kar leti hain table talks pe, to
it will be better for the interests of both states. And if both parties refuse to compromise, then it is very likely that by the end of this year, the Iran nuclear deal will meet its dead end. जिसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा कि दोबारा से ईरान और यूएस के बीच में एस्केलेशन होगी एंड विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज. सो इफ वी सी द कंक्लूजन दैन वी रियलाइज के बोथ पार्टीज मस्ट शो फ्लेक्सिबिलिटी, बोथ पार्टीज मस्ट मेक कॉम्प्रोमाइजेस टू मेक द डील सक्सेसफुल, टू रिवाइटलाइज द डील, टू रिवाइव द डील इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म in order to avoid any further escalation and to promote regional stability. And of course, ye bhi ek important development hai ki Iran has allowed International Atomic Energy Agency to monitor its nuclear program through cameras. To ye bhi ek important development hui hai aur ankareeb kafi sari achhi ya buri developments ho sakti hain. So do follow this. And it is expected ke October का मंथ जो है इसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं रिगार्डिंग ईरान न्यूक्लियर डील. सो बेसिकली द मंथ ऑफ अक्टूबर इज़ क्रूशल फॉर ईरान यूएस रिलेशंस. एंड ऑब्वियसली अगर कोई मेन डेवलपमेंट, कोई मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो विल मेक अ वीडियो, विल डिस्कस इट इन आर अनदर वीडियो. ऑलराइट, लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.